मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को योगी बाबा गंभीरनाथ परीक्षा गृह में 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अंगीकृत 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली एवं 500 बालिकाओं को हाइजीन किट का वितरण किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज सीएसआर फंड से 19 हेल्थ एटीएम का शुभारंभ हुआ है, जिसको लाने में सांसद रवि किशन का अहम योगदान है। इसके लिए संस्था व रवि किशन को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा हेल्थ एटीएम से पूरे शरीर की जाँच मिनटों में हो जाएगी और तुरंत रिजल्ट भी मिल जाएगा। इससे गोरखपुर के मरीजों को चेकअप कराने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि 2022 में हमने गोरखपुर के हर सीएचसी पर हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया था। वहां के मरीजों को बेहतर सुविधा मिल रही है। यह सब व्यवस्था पहले भी हो सकती थी, लेकिन पहले की सरकारों ने जातिवाद पर ही काम किया और जब चुनाव आ जाता था तो जाति पाति चिल्लाने लगते थे। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज अच्छे से कार्य कर रहा है, वहाँ पर तमाम तरह की सुविधा दी गई है। पहले वह मेडिकल कॉलेज बीमार था। इसके अलावा महाराजगंज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और कई जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाकर संचालित भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। कोरोना के समय उत्तर प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जहां पर एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे। आईसीयू संचालित करने के लिए जो आवश्यक मैन पावर चाहिए था वह भी हमारे पास नहीं था। अचानक कोरोना आ गया। इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देकर मैन पावर लाना एक कठिन कार्य था। इस कार्य को करने के लिए हम लोगों ने तकनीक का सहारा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से निपटने में सहयोग किया। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। हमने लखनऊ पीजीआई को पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ा। इससे सभी कोविड मरीजों का इलाज संभव हो पाया। उन्होंने कहा कल नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, आप सभी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। आदरणीय प्रदीप चिल्लू पार्क के विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी, आज आप लोग आतिशबाजी देखेंगे और हमको गाते हुए आप लोगों को रीता देवी पूरा उत्तर प्रदेश होगा वो अभियान दिखाई पड़ रहा है उनके कुशल। कुमारी अंजलि चौरसिया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का डॉक्टर आलोक पांडे जी आदरणीय सुरन में पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। और अभी आप लोग देख ला कि कैसे प्रभु राम के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कल भव्य कार्यक्रम एक महाराज जी के स्वागत में बोले जय श्री राम, गड़गड़ा के ताली बजा दें सब लोग। जो महाराज जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात निरंतर जो इस नए भारत की रचना में रखे हैं और जो महाराज जी उत्तर प्रदेश के शिल्पकार के रूप में ये जीवन और हम लोगों के जीते जी हम लोग ये समय देख रहे हैं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं चूंकि महाराज जी को कहीं जाना है जल्दी, तो मैं समस्त माननीय विधायक गण को एक साथ मंचासीन प्रणाम करता हूँ। नाम लेने में देरी होगी तो सभी विधायकगण को प्रणाम एक साथ। और कहना ये चाहता हूं कि हमारे मित्र हैं स्माइल फाउंडेशन से, उन्हें हमने कहा कि वो कुछ मशीन देना चाहते थे। मैंने कहा महाराज जी का क्षेत्र है गोरखपुर, गोरखनाथ बाबा की धरती है, तो 19 एटीएम हमको स्माइल फाउंडेशन के द्वारा महाराज जी के आशीर्वाद से मिला, जो इसका आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ एक सांसद के रूप में। महाराज जी की कृपा है कि आज उन्होंने सांसद बनाया और उसके बाद आज जितने भी कार्य हम केंद्र द्वारा करते हैं, हमें बाहर से अपने में देखिए और ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग से पीड़ित 500 रोगियों को और मशहूर जो प्रख्यात हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार हैं श्री रवि किशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश
श्रीवास्तव जी आसान कर सकती है और कैसे कर सकती है ये मैंने पहले भी आपको बताया। कोरोना के समय उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू के बेड्स नहीं थे। आईसीयू संचालित करने के लिए जो आवश्यक मैन पावर चाहिए था वह भी हमारे पास नहीं था। अब अचानक कोरोना आ गया, इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देना, इतना मैन पावर लाना एक कठिन कार्य था। कैसे होगा? इस कार्य को करने के लिए हम लोगों ने उस समय तकनीक का सहारा लिया। पहले चरण में हम लोगों ने वेंटिलेटर्स लगाए, भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बड़ा सहयोग किया और फिर इन कार्यक्रमों को जोड़ करके हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाए, परिणाम क्या रहा? हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, टेली कंसल्टेशन और वर्चुअल आईसीयू लखनऊ में SCPGI, KGMU, RML और अन्य संस्थानों से कहा गया कि सभी मेडिकल कॉलेजेस को आप अपने साथ जोड़िए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहां पे आईसीयू है उसको अपने साथ जोड़िए, उनके एक डॉक्टर को एक टेक्नीशियन को पहले लखनऊ में भी ट्रेनिंग कराई गई, हर दिन में अपना कार्यक्रम चलाते थे और लखनऊ के विशेषज्ञ उनको हर एक एक घंटे के लिए समय देते थे शाम के समय। अगर किसी को कोई परेशानी हो बताएं, अगर कोई समस्या ऐसी थी कि जो वर्चुअल जिसका समाधान नहीं हो सकता है तो वहां पे लखनऊ से विशेषज्ञ आकर के फिर उनको बताते थे और परिणाम था सही 75 जनपदों में हमने आईसीयू को कोरोना कालखंड में सफलतापूर्वक चलाया। आज सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति गोरखपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या मुंबई में बैठे हुए चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य के परीक्षण की रिपोर्ट दिखा करके आवश्यक दिशा निर्देश ले सकता है और घर में बैठे बैठे स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। नर सेवा, नारायण सेवा के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम के साथ आपको जुड़ना है। 500 ऐसे रोगियों को आज पोषण किट यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है और मैं उन सबसे भी अपील करूंगा वे नियमित दवा लें। पोषण का पैसा और पोषण किट उन्हें नियमित प्राप्त हो ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है और जो इस संबंध में जिन जो सहायक बने हैं, मित्र बने हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उन लोगों को राहत देने में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, आज हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है, स्वास्थ्य क्षेत्र ने भी काफी प्रगति की है। आप देखिए आज से 6 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था, आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य भी, यानी जो पहले था उसका स्वास्थ्य ही खराब था। मेडिकल कॉलेज जब स्वयं ही बीमार है तो दूसरा को उपचार क्या कराएगा। आज मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हुआ है और गोरखपुर में एम्स भी खुल गया है। अब गोरखपुर के साथ साथ देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, बस्ती में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, बहराइच में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यानी इतने मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना करके लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इस लक्ष्य के साथ आज डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है जिससे लोगों को उनके घर में बैठ करके बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अच्छी सड़कें, चलने के लिए अच्छी व्यवस्था, अच्छी ट्रेन दी जा रही है, वायु सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। और इस कार्यक्रम के साथ अगर हम सब जुड़ जाते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता सबसे पहली बात, हमने इस बात को माना है
जागरूकता का अभाव भी बीमारी का कारण है। इंसेफ्लाइटिस उसका उदाहरण है। आपने देखा होगा इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें होती थी यहां गोरखपुर में, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सब जगह मौतें होती थी। लोग जागरूक नहीं थे। सरकार ने पहल की, समाज आगे आया, परिणाम हमारे सामने आया। 1977-78 से लेकर के 2016-17 तक इन 40 वर्षों में लगभग 50,000 बच्चे इस बीमारी से संक्रमित हुए, ज्यादातर बच्चों की मौतें हुई। और आज 2017-18 से हमने इस पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया।